नमस्कार, मैं भाषा और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक पर खोज खबर कार्यक्रम। आज हम बात करेंगे थोड़ा सा हटके, आज हम बात करेंगे खबरचियों की और किस तरह से खबरची है निशाने पर, शूटिंग द मैसेंजर अंग्रेजी में कहा जाता है, लेकिन हिंदी में सिर्फ इसका तर्जुमा इस तरह से कर सकते हैं कि जो खबर लाए, जो सच बताए, उसी को खबर बना दो, उसी को निशाने पे ले लो। यूं तो भारत में तमाम चीजों पर नंबर वन चलने की आदत सी पड़ गई है मोदी सरकार में, लेकिन जहां तक मीडिया की बात है, मीडिया को दो ढंग से हम देखते हैं। एक मीडिया जो लगातार एक ही ढंग की खबरें पेड़ पेड़ के लगातार नफरत परोस रहा है, विभाजन परोस रहा है, लेकिन इस चकाचौंध के बीच ऐसे पत्रकार भी हैं जो सच बोलने का साहस रख रहे हैं, और ऐसे ही पत्रकारों के बारे में आज चर्चा है, और उनके साथ साथ देश के उन नागरिकों के बारे में भी जो बात कर रहे हैं कि डिसेंट यानी असहमति के स्वर जिंदा रहने क्यों जरूरी है। कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे एक अच्छी खबर से। प्रशांत कनौजिया जो युवा पत्रकार हैं, तेज तर्रार पत्रकार, आखिरकार 2 महीने बाद उन्हें जमानत मिल गई, और आप देखिए कि जमानत जो मिली है उसके पीछे की जो जद्दोजहद है। सबसे पहले देखिए उनकी पत्नी का यह ट्वीट। उनकी पत्नी लगातार यह कोशिश कर रही थी कि प्रशांत का मुद्दा पीछे ना जाए, और सिर्फ वही नहीं, उनके साथ मित्रों की एक टोली भी थी जो यह बताने पे आमादा थी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और न्यायपालिका में अभी तक इतनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद कैसे इन तमाम लोगों का भरोसा बना हुआ है, और छूटने के बाद वह कहती हैं कि उनका भरोसा सही साबित हुआ। यहां बस हम आपको यह बताते चलें कि प्रशांत कनौजिया को गिरफ्तार किया गया था एक ट्वीट करने के लिए। यह ट्वीट उन्होंने एक हिंदू आर्मी के सुशील तिवारी हैं, उनके ट्वीट को रिट्वीट करते हुए कहा था, और उत्तर प्रदेश पुलिस के FIR के अनुसार यह ट्वीट गलत ढंग से तोड़ मरोड़ के पेश किया गया था। इस आरोप में उन्हें 2 महीने जेल में बिताने पड़े। बाद में उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दी। आज चर्चा पत्रकारों पर है, खबरचियों पर है, इसलिए आप देखिए कि हमारा जो ग्लोबल इंडेक्स है मीडिया फ्रीडम, प्रेस फ्रीडम को लेकर, उसमें हम कहां पर हैं। यूं तो भुखमरी के बारे में बात हुई, आजकल पता चला कि 107 देशों में हमारा स्थान 94 है। इसी तरह से जो गैर बराबरी है उसमें भी हम अव्वल हैं, और GDP तो माशाल्लाह ही है। अब पता चल रहा है कि हमारे तमाम जो पड़ोसी देश हैं वह आर्थिक रफ्तार में हमसे आगे जा रहे हैं, हम रसातल में जा रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात इधर हुई है कि जो भी अपना काम, अपना कर्तव्य कर रहा है, पत्रकार जो खबर लिख रहा है, उसे निशाने पे लिया जा रहा है, और इस पर गंभीर चिंता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाई गई। 2 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने मिलकर एक संयुक्त पत्र लिखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। यह पत्र देखा जाना चाहिए। इस पत्र में बहुत अहम बातें उन्होंने कही। इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रिया का है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट बेल्जियम की। इन दोनों संस्थाओं ने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है उसमें उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि जिस तरह से हैरेसमेंट की बात हो रही है, जिस तरह से हैरेस किया जा रहा है, जिस तरह से डेकोरियन सिडिशन लॉज पत्रकारों पे लगाए जा रहे हैं, यह बेहद गंभीर चिंता का विषय है। इस पत्र में उन्होंने साफ कहा है कि लॉकडाउन की घोषणा जो 25 मार्च को की गई उसके बाद से लेकर 31 मई के बीच बीच तक 55 से अधिक पत्रकारों के ऊपर बदले की भावना वाली कार्रवाई की गई। सवाल यह है कि यह जो अवधि है इसमें जो कार्रवाई की गई 55 पत्रकारों पर, ये पत्रकार क्या काम कर रहे थे? यह पत्रकार यह बता रहे थे कि इस लॉकडाउन की वजह से कितनी दिक्कतें भारत के आम नागरिकों को हुई, और यह रिपोर्ट जो पेश की, जिसका हवाला इस पत्र में दिया गया है, राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप ने तैयार की थी, उसने
वहीं तक की अवधि में इन तमाम चीजों को रखा था। और इसमें जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं कि आपदा में अवसर खोजना चाहिए, अभी वो फिर हमारे सामने देश के सामने देशवासियों को उन्होंने संबोधित किया और कहा कि कोरोना से संभलने की जरूरत है। देखिए इस पत्र में क्या अपील की गई है प्रधानमंत्री से। द नंबर ऑफ केसेस फाइल्ड अगेंस्ट जर्नलिस्ट हैव इंक्रीज्ड एनॉर्मसली आफ्टर द स्प्रेड ऑफ पेंडेमिक। अ फ्री मीडिया इज एसेंशियल टू अ सक्सेसफुल पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स। यह पत्र है। इस पत्र में बहुत डिटेल में ब्यौरे दिए गए हैं कि किस तरह से आपदा को अवसर में बदलने पे जब भारत सरकार उतारू थी तो जो लोग अपना काम कर रहे थे, जिम्मेदारी उठा रहे थे मीडिया को जिंदा रखने की, उनके ऊपर जिस तरह की दंडात्मक कार्रवाई की गई वह उचित नहीं थी। इस पत्र ने जो सवाल उठाए हैं वह सिर्फ मीडिया के लिए ही जरूरी नहीं है। वह बताता है कि हमारा जो लोकतंत्र है वह किन किन व्याधियों से ग्रस्त है। इसके इंडिकेटर्स, इसके संकेतक अलग अलग हो सकते हैं। इसमें मिसाल के तौर पे हम देख सकते हैं कि हाथरस में रिपोर्टिंग करने जा रहे केरल के सिद्धि कप्पन को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, या देश की राजधानी दिल्ली में कारवान मैगजीन के पत्रकार को, आहान पैनकर को किस तरह से पुलिस ने सरेआम मारा। ये दोनों जो इंसिडेंट हैं, ये जो दोनों घटनाएं हैं, यह हमारे आपके सामने हुई हैं। यह शूटिंग द मैसेंजर जो हमने शुरू में अपनी बात कही, उसी क्रम में इन्हें देखा और समझा जाना चाहिए। ठीक इसी समय कश्मीर में कश्मीर टाइम्स की जो संपादक हैं, जो पत्रकार हैं, जो बहुत ही साहसिक काम कर रही हैं, अनुराधा भसीन, जिन्होंने बहुत हिम्मत से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था जब पिछले साल 5 अगस्त को अनुच्छेद आर्टिकल 370 हटाने के बाद से मीडिया को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, उस समय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाली अनुराधा भसीन को निशाने पर सरकार ने लिया है। बिना कोई प्रोसेस अपनाए, बिना कोई प्रक्रिया अपनाए श्रीनगर का उनका दफ्तर सील कर दिया गया है। इस पर न्यूज़ क्लिक ने उनसे बातचीत की, देखिए क्या कह रही हैं अनुराधा भसीन। About I think 2 weeks ago, about a couple of weeks ago, you were also evicted from your official residence, government residence, which was allocated to you. So can you tell us why these actions have been taken? I can't say for sure, but what I can say is in the last 14 months, media has been, there are attempts to gag the media and completely impose silence on the media. A new wave of censorship in Kashmir, which is already reeling under a crisis for many, many years. And it appears to be part of that policy, and particularly targeting me because I have been and my organization has been consistently critiquing the government policies and actions. We have been trying to bring in as many voices of the marginalized and oppressed people as we can, and showing the ground realities to the best of our ability, and which is not to the government's liking, because they want the media to completely toe the government line and show only one kind of narrative. There is complete intolerance to another kind. Other than that, last year I had gone to court against the communication ban, which had impacted the working of media, including my organization. And that is also something that may not have been liked. And perhaps that time I was in court, so they did withdraw the advertisement support to Kashmir Times. But this move may have been reserved for a later time. So can you tell us about what reasons they're giving and also if they followed any kind of procedure while taking these actions? Yeah. Okay. You know, now they're talking about that this was allotted in my father's name. It was allotted to him as editor of Kashmir Times for use as a news organization, for the organizational purpose, as is the case with many other newspapers that are functioning out of the same area in similar government buildings.
Well, even if they take the plea that it was only allotted to one particular individual and not for organizational use, my father expired 5 years ago. And he was not an unknown person that, a government department would wake up 5 years later and realize that, oh, this person is dead and we need to evict these people. The third thing is that even if it has to be done for whatever reason, then government has the right to evict on genuine grounds anybody who is occupying or has been allotted a government accommodation. But there is a due process of law that needs to be followed. The J&K estates rules, which still apply, say according to that, the occupant has a right to be informed about any kind of process of cancellation of the allotment. You know, they're supposed to serve a notice and ensure that we've received it. They're supposed to advertise it. So not leaving any chance. Nothing of this sort was done. In fact, when we started hearing rumors about 6 weeks ago, we approached the estates department, my staffers approached the estates department, and the higher up officers were unwilling to give any clear answer. So we went to the deputy commissioner's court, which is dealing with these matters, and we petitioned them, and a hearing in that is yet to be made. A verdict has is still awaited in that. And so yesterday they came, 2 days before, in the evening around 5, they just came. I mean, without following that process of giving a cancellation order, giving time to the occupant to file objections, and then serving the eviction notice, and then allowing the occupant to move out along with their belongings. You know, they've completely put a lock there and taken away all our belongings there, which includes the entire newsroom infrastructure, which includes our technical infrastructure. They just came out of the blue, asked our staffers to move out of the office, that they had to lock it up. And our staffers argued with them and asked them, you know, where is the order? They said, go talk to the higher up officials in the department. We don't know anything. And we are only asked to lock up the premises, and which they did. Kashmir se hi ek report aayi hai, jo print mein prakashit hui hai, jise likha hai Azan Javed ne. Woh bhi dekhne layak report hai. Usse pata chalta hai ki pichle ek saal mein किस तरह से 18 पत्रकारों को अलग अलग मामलों में पुलिस ने जबरदस्त तफ्तीश के लिए बुलाया, कई लोग अंदर गए, दो मीडिया घराने बंद हुए, और इन पर कहीं से भी चर्चा देश के बाकी हिस्सों में नहीं हुई। खबरची तो खबरची हैं, जितना भी जोर पड़े, जितने भी मीडिया घराने सरकार के साथ हॉबनॉबिंग करते रहें, उनके पक्ष की खबरें दिखाते रहें, लेकिन हमने यह पाया है कि जो पत्रकार जमीन पर काम कर रहे हैं वह हर हाल में जोखिम उठाकर सच का साथ नहीं छोड़ते हैं। इस बारे में कुछ आंकड़े जो सामने आए, कम से कम 8-9 पत्रकारों के जो ब्यूरे आए हैं, चांस की बात है कि सारे के सारे योगी सरकार के उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए मामले हैं, जिन्हें पत्रकार नेहा दीक्षित ने सामने रखा एक क्रमवार सिलसिले में। उससे यह पता चलता है कि किस तरह से बुनियादी अधिकारों के लिए, बुनियादी सवालों पर जो रिपोर्ट्स कर रहे हैं, उनको निशाने पे लिया जा रहा है। बहुत छोटी छोटी सी खबरें हैं ये, कोई बहुत बड़े विस्फोटक खुलासे नहीं है, छोटे छोटे खुलासे। मिसाल के तौर पे आप देखिए कि रविंद्र सक्सेना, जो सीतापुर में क्वारंटाइन सेंटर में किस तरह से गड़बड़ियां चल रही हैं, इसका खुलासा करते हैं। या विजय विनीत, मनीष मित्रा, जो बनारस में मुसहर परिवार किस तरह से रह रहे हैं, उनके बारे में उन्होंने रिपोर्ट की। उमर राशिद, जिन्होंने लखनऊ में NTCA प्रोटेस्ट कवर किया। मिर्जापुर के पवन जायसवाल, जिनकी रिपोर्ट बहुत मशहूर हुई, जिसपे बहुत चर्चा भी हुआ कि किस तरह से मिड डे मील में हाल ये हो गए हैं कि नमक रोटी बच्चे खा रहे हैं। या आजमगढ़ में सरकारी स्कूल में किस तरह से सफाई कराई जा रही है बच्चों से। बच्चा गुप्ता, जिन्होंने बनारस में पुलिस स्टेशन में बच्चों से साफ सफाई के काम को पर खबर दी। आशीष तोमर या शकील अहमद, जिन्होंने बताया कि किस तरह से बिजनौर में
कुएं से दलित परिवार को पानी नहीं लेने दिया जा रहा, इस पर रिपोर्ट की। या फिर सोनभद्र के मनोज कुमार सोनी, जिन्होंने भू माफिया के खिलाफ रिपोर्ट की। यह सब छोटे छोटे से जगहों से आए हुए नाम हैं, जिनको सरकार ने अपना पेशा सही ढंग से करने के लिए दंडित किया, डराया, धमकाया, जेल भेजा। यह है शूटिंग द मैसेंजर, जो कश्मीर से लेकर पूरे देश में अलग अलग जगहों पे अलग अलग ढंग से, बेखौफ ढंग से चल रहा है और पत्रकारिता करने वालों को निशाने पर लिया जा रहा है। सवाल यहाँ यह है कि आखिर जो लोग सच बोल रहे हैं, उन्हें निशाने पर सरकार क्यों ले रही है? यह इस समय के लोकतंत्र का सबसे बड़ा सवाल है। और इस बारे में आज दिल्ली में प्रेस क्लब में एक संवाददाता सम्मेलन हुआ, जिसमें सीधे सीधे सवाल उठाया गया कि लोकतंत्र में अगर सड़कें सूनी हो जाएंगी, यानी अगर विरोध नहीं होगा, तो लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। और इसमें जिन लोगों ने शिरकत की, उन्होंने अलग अलग ढंग से अपने बयान दिए। सबने एक स्वर में कहा कि जो लोग भी अपना काम करना चाह रहे हैं, उन्हें निशाने पे लिया जा रहा है, चाहे वो पढ़ाने वाले हों, कवि हों, पत्रकार हों, इंटेलेक्चुअल हों, छात्र हों या फिर पत्रकार। यहीं पर हमने बात की अरुंधति राय से, मशहूर लेखिका जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई थी, और जानना चाहा कि वह किस तरह से देख रही हैं कि आखिर क्यों निशाने पर लिया जा रहा है तमाम लोगों को। विरोध है, उसको क्रिमिनलाइज किया जा रहा है, लेकिन इसमें बतौर लेखिका आप क्या सोचती हैं, रास्ता क्या है? रास्ता यही है कि हम क्रिमिनलाइज करने का मतलब क्या है कि हमें घसीट के जेल ले जा रहे हैं, हमारे दोस्तों को ले जेल ले जा रहे हैं, सबके ऊपर मुकदमा चल रहा है। अब अगर हम इससे डर के हमारा काम रुक जाते हैं, तो वो दिन जिससे हम डर रहे हैं वो आएगा, कल आएगा, आज आ जाएगा। हमें करते रहना है जो हमें करना है, जो हमें कहना है, और जिनके साथ ये कोर्ट केस और ये जेल हो रहा है, उनके साथ खड़ा होना है। वी कांट स्टॉप टॉकिंग, वी कांट स्टॉप फाइटिंग। लेकिन जो अभी है पत्रकार, कवि, लेखक और पत्रकार खास तौर से, उनको जिस तरह से जेल कर रहे हैं, FIR कर रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, अभी दो इंटरनेशनल एसोसिएशंस ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, और लेकिन क्या रास्ता है? पत्र तो लिख दिया उन्होंने, 55 पत्रकारों की सूची दी उन्होंने। रास्ता क्या है? रास्ता सिर्फ ये है कि हमें लड़ना पड़ेगा, ये सब वापस छीन के लेना पड़ेगा। और क्या रास्ता है, मैं और क्या बताऊँ आपको? आपको लगता है कि इस तरह से जो आवाज़ें उठ रही हैं, या जैसे मान लीजिए इंटरनेशनल फोरम्स भी आवाज़ उठा रहे हैं, बहुत ज़रूरी है? जहाँ पे भी आवाज़ उठता है वो ज़रूरी है, लेकिन बार बार लोग सोचते हैं कि रास्ता क्या है, क्या फ़ायदा? अगर हम ऐसे सोचते हैं तो सब बंद हो जाएगा, सब कुछ बंद हो जाएगा। अगर कोई अंदर जाता है तो दूसरे को खड़ा होना चाहिए, है ना? यही कर सकते हैं हम, और क्या कर सकते हैं? और ये सिलसिला आपको लगता है जारी है अभी? जारी, अगर हम जीतेंगे या हारेंगे, हम लड़ेंगे, वही है ना, कि हम चुपचाप ऐसा नहीं अपने कब्र में जाएंगे। और जैसे अभी अनुराधा भसीन पर भी वहाँ कश्मीर में किया गया, वो एक लेखिका हैं, जर्नलिस्ट हैं, एडिटर हैं, तो क्या संकेत ब्रॉडली आपको लगता है? देखिए, कश्मीर में जैसे हम लोग अभी लड़ रहे हैं, हम हैरान हो रहे हैं, वहाँ के लोग कितने सालों से लड़ रहे हैं और किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? डिसअपीयरेंसेस, किलिंग्स, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, ऑक्यूपेशन, तब भी वो लड़ रहे हैं ना, तब भी वो लिख रहे हैं, तब भी चला रहे अपना, तो हमें सीखना चाहिए कुछ। शूटिंग द मैसेंजर, जो भी सच को सामने ला रहा है, सच के साथ खड़ा है, उसे निशाने पर सरकार ले रही है। और यह दूसरे ढंग का एक राष्ट्र बनाने की जो तैयारी चल रही है, ऐसा लगता है कि उसका हिस्सा है। और इस संदर्भ में जनकवि अदम गोंडवी की यह पंक्ति बेतरह याद आती है। उन्होंने उस समय लिखा था, 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नाशाद हैं, दिल पर रखकर हाथ कहिए, देश क्या आजाद है? और शायद आज अदम होते तो कहते, 100 में 90 या 100 में 95% लोग जब नाशाद हैं, शायद इस समय जो भारत है वो जिस मुहाने पे खड़ा है, वहां पर लोकतंत्र का आलम यही है। और इसलिए बहुत जरूरी है
तमाम लोगों के साथ मिलकर सच का दामन थामे रखना। आपकी मदद से हम यह काम पहले कर रहे थे, अभी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, दूर दूर तक पहुंचाइए खोज खबर न्यूज क्लिक। शुक्रिया। Thank you.